डूड नाम बहुत लंबा है, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 10 मई को रिलीज हो रही है। ये फ्रेंचाइजी धीरे धीरे फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी बनती जा रही है। 1968 में ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी। 1968 से 2024 तक ओरिजिनल सीरीज, रीबूट और रीमेक को मिलाकर ये 10th इंस्टॉलमेंट है, 10वीं फिल्म है ये इस सीरीज में। फिर से लंबा नाम है, वार फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स। 2017 की इस मूवी के इवेंट्स के 300 सालों के बाद की कहानी है ये। फ्यूचर की कहानी है लेकिन हाईटेक फ्यूचर नहीं है। सीजर जिन वानरों को लीड कर रहा था, जिन एप्स को लीड कर रहा था, अब वो इंसानों से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और वो रूल कर रहे हैं। इंसान छुप छुप के रह रहे हैं। जो रूलर किंग है उसका नाम है प्रॉक्सिमस सीजर। अब इसे इंसानों की खोई हुई टेक्नोलॉजी चाहिए। प्लैनेट पर इंसानों की टेक्नोलॉजीज मौजूद है लेकिन छुपी हुई है। वहां तक प्रॉक्सिमस सीजर पहुंचना चाहता है, उन टेक्स को वो सीखना चाहता है और फिर राज करना चाहता है, इंसानों को हंट करना चाहता है। प्रॉक्सिमस सीजर का रूल है कि इंसानों को हंट करना है और ये बात सिंपैंजी नोवा को पसंद नहीं है। वो इस रूल को गलत मानता है। वो और उसके कुछ साथी ये मानते हैं कि उनके पूर्वजों ने उनसे बातें छिपाई है। पहले इंसान बेहतर स्पीशीज थे, उसके बाद एप्स ने इंसानों पर कब्जा किया है, तो इंसानों के साथ फिलहाल गलत हो रहा है और इंसानों और एप्स को मिलकर रहना चाहिए। तो वो बगावत करेगा प्रॉक्सिमस के खिलाफ, अपना एक टीम तैयार करेगा और फिर तख्ता पलटने की कोशिश करेगा। छुप के फिर रहे इंसानों के ग्रुप में एक खूबसूरत लड़की है, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी मुझे, एप्स के ऑपोजिट में थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लगी। बात तो सही है। और मूवी में शायद नोवा को ये चुम्मी भी दे दे। और इस खूबसूरत लड़की का नाम है मे। मे का आउटफिट मुझे बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टाइगर बाबा के आउटफिट जैसा लगा, काफी मैचिंग लग रहा है। मे को प्रॉक्सिमस पकड़ना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। सो प्रॉक्सिमस उसे पकड़ के उससे वो टेक्नोलॉजीज सीखना चाहता है और प्रॉक्सिमस ये नहीं चाहता कि मे आगे जाकर उसके लिए खतरा बने। तो नोवा ऑफकोर्स मे को बचाएगा, टीम अप करेगा उसके साथ। एक और कैरेक्टर है राका, जो रांगउटान है, जो काफी वाइज है, जिसे हिस्ट्री की नॉलेज है, वो भी टीम अप करेगा नोवा के साथ। सो नोवा एक सिंपैंजी है, राका ओरांगउटान है और प्रॉक्सिमस बोनोबो है। अलग अलग स्पीशीज है लेकिन सभी एप्स ही हैं। सुना फीमेल सिंपैंजी है और नोवा की दोस्त है। प्लॉट में खास नयापन नहीं है। प्लैनेट ऑफ द एप्स में घूम फिर कर वही कहानी होती है कि सभी इंसान बुरे नहीं है और सभी एप्स अच्छे नहीं है। इस बार एप्स थोड़े से बुरे हैं और इंसान थोड़े से अच्छे हैं, तो हमें अपने गलतियों को रियलाइज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, सुधारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही एक मैसेज डिलीवर होगा मूवी के थ्रू। डायरेक्शन कर रहे हैं वेस बॉल, जो जाने जाते हैं मैज रनर ट्रिलोजी के लिए। ट्रेलर ठीक ठाक लगा है, ओके ओके लगा है। तुम देखने जा सकते हो अगर इसके साथ में कल की रिलीज नहीं होती है तो। कल की रिलीज डेट 9 मई दिखा रहा है अभी भी बुक माई शो में। मूवी का सब कुछ विजुअल्स ही हैं, VFX हैं, CGI है, जो ठीक ठाक लग रहे हैं। मूवी में जो भी एक्शन होंगे वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होंगे। एक लेसन मिलेगा कि हमें नेचर और एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा काम है, ऑफिस का, एग्जाम की तैयारी करनी है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, किसी के साथ डेट पर जाना है या फिर अपने बिस्तर पर आराम से सोना है, तो मूवी को स्किप कर सकते हो। बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। और अभी इतने कंटेंट बनने लगे हैं, मूवीज हर फ्राइडे एक से ज्यादा मूवीज तो रिलीज होती ही है, OTT पर सीरीज होती हैं, ढेर सारे कंटेंट, सब देखने मत जाना। सो ये जिम्मेदारी मैंने खुद को खुद ही दी है, तुम लोगों को अच्छी मूवीज अच्छी सीरीज के बारे में इन्फॉर्म करते रहना मेरा बहुत बड़ा फर्ज है और इसे मैं आगे निभाता रहूंगा। और जब तक मैं नया वीडियो लेके वापस आऊं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और अपना बिल्कुल ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।